वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एडवांस पीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, काफ़ी अच्छी दमदार वीडियो होने वाली है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एडवांस पीएफ होता क्या है। जब आप नौकरी करते करते यदि आप पीएफ से पैसा निकालना चाह रहे हैं तो उसे एडवांस पीएफ बोला जाता है। तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस आपको पूरा करने होंगे जिसकी वजह से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम में मेमर होम टाइप करेंगे। मेमर होम का पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसे डेस्कटॉप मोड में आप कर सकते हैं। मोबाइल के क्रोम को सिंपली सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से ऑप्शन है। सबसे पहले यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चर और साइन इन कर देना है। जैसे साइन इन कर दे, इस पर ऑप्शन है, उसके बाद लेटर करना है। लेटर करने के बाद आप ऊपर देखेंगे तो ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर सबसे पहला होगा क्लेम। इसमें फॉर्म 31 ये एडवांस है, 19 है ये है पूरा पीएफ का पैसा, और 10 सी है ये है मतलब पेंशन। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एडवांस निकालना चाहते हैं, फॉर्म 31 निकालना चाहते हैं, सिंपली उस पर सेलेक्ट कर देते हैं। क्योंकि एक ही क्लेम में तीनों फॉर्म है तो हमें सेलेक्ट करने हैं। जैसे हमने सेलेक्ट कर दिया तो इस प्रकार से ऑप्शन है। सबसे पहले हमें से बैंक पूछेगा, वही आपको बैंक अकाउंट डालना है जो आपने पीएफ में वेरीफाई किया हुआ है। आप देख सकते हैं फर्स्ट में केवाईसी के ऑप्शन में जाके अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेंगे। बैंक अकाउंट चेक करने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद इस प्रकार से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है कि आप एग्री है या नहीं। आपको एग्री हो जाना, यस करना है। उसके बाद आप प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर सिंपली सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से ऑप्शन नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन है। जैसे हम इस पर सेलेक्ट कर दें, हम नौकरी कर रहे हैं इसलिए हम एडवांस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने कंपनी छोड़ी नहीं है, इसलिए हमारे पास ना तो पीएफ होगा ना पेंशन का ऑप्शन आएगा। सिंपली आई वांट सिंपली इस पर सेलेक्ट कर दें। सेलेक्ट करने के बाद पीएफ एडवांस 31 का ऑप्शन आपके सामने है, उस पर सेलेक्ट कर देते हैं। करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है, आपकी कंपनी आ जाती है। उसके बाद पर्पज़ आपको करना होगा कि किस कारण से आप निकालना चाहते हैं, जैसे इलनेस मतलब बीमारी के कारण। उसके बाद एडवांस पीएम पीएफ, जब आपका पीएफ 10,000 रुपये होता है और पेंशन का अलग होता है। मान लीजिए पेंशन का 3,000 रुपये है और पीएफ है 10,000 रुपये, तो आप 75% पीएफ से निकलवा सकते हैं, मतलब 7500 रुपये निकलवा सकते हैं 10,000 में से। पेंशन का अलग रहेगा तो हम कम 7500 भी डाल सकते हैं या इससे कम डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है। सिंपली उस पर सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पूरा एड्रेस इसमें डाल देना, जो आपका एड्रेस है, ये हमने अपना एड्रेस डाल दिया। उसके बाद आपको चूज फाइल पर सिंपली सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको बैंक की पासबुक या चेक आपको इसमें अपलोड करना, जिसमें आपका नाम हो, आईएफएससी कोड हो, अकाउंट नंबर हो, सिंपली उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको सिंपली नीचे आना। नीचे आने के बाद मैं अपनी पहचान स्थापित करने के लिए सिंपली टिक करेंगे। टिक करने के बाद गेट आधार ओटीपी पर सेलेक्ट करना है। एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर आपको सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आपको एडवांस पीएफ निकालने का प्रोसेस पूरा करना होगा। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।